परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा काम है वो करते हैं, हम बुराई में लगे रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हम जो है परमेश्वर से कैन की तरह हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11:1-3 पद के विषय में हमने सीखा था, उसके 14वें भाग के विषय में। आज हम प्रकाशित वाक्य 11:1-3 के विषय में ही सीखेंगे, उसके 15वें भाग में। हम यहाँ पर पहले इन पदों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 11:1-3 तक। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी कर। इस पद में जो है, इन पदों में जो है 3 खंड है, परमेश्वर का मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। दूसरा है मंदिर के बाहर का आंगन को छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वे अनजातियों को दिया गया है, उसे 42 महीने तक रौंदे। तीसरा है परमेश्वर के 2 गवाह जिनको यह अधिकार दिया गया कि 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। यहां पर हम देखेंगे मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे, उससे मत नाप, क्योंकि वे अनजातियों को दिया गया है कि उसे 42 महीने तक रौंदे। पिछले संदेश में हमने आंगन के बारे में रखी पीतल की होंदी के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि अनजातियों को जो आंगन दिया गया है उसे 42 महीने तक रौंदने का अधिकार दिया गया है। 42 महीने क्या है इसके विषय में तो हम सीखेंगे, परंतु सबसे पहले हम सीखेंगे अन्य जाति क्या है। हम लोग अन्य जाति जो है हमेशा ये सोचते हैं कि जो मसीह समाज के लोग हैं उन्हें छोड़कर जो दूसरे लोग हैं वो सब अन्य जाति में आते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अन्य जाति कहते किसे हैं, क्योंकि ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप भजन संहिता को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जितने भी पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं, जितने भी लोग जो निवास करते हैं वो सब मेरे हैं। जब सब परमेश्वर के हैं और सारे संपूर्ण संसार की रचना परमेश्वर ने करी है, तो फिर ये अन्य जाति कहां से आ गए। इस बात को जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि अन्य जाति सही माने में कहते किसे हैं। हम मसीह समाज के अंदर पैदा हो गए या हमने मसीह को ग्रहण कर लिया तो हम अन्य जाति नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ जो यहूदी हैं, इसराइली हैं, जिनको हम कहते हैं वो परमेश्वर की प्रजा है, सब कुछ है, वो भी अन्य जाति हैं क्योंकि उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं करा, परंतु हम उनको भी अन्य जाति नहीं मानते हैं। तो फिर अन्य जाति हैं कौन? क्या जो दूसरी जाति के लोग हैं वो अन्य जाति कहलाते हैं? जी नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, आज इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये अनजाति आए कहां से। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया सब आदम की संतान थे, उसके बाद क्या कहते हैं नूह से पूरी जनरेशन शुरू हुई है, सब नूह और उसके बेटों से सारे लोग बने हैं, वो भी परमेश्वर के लोग थे, सब परमेश्वर के लोग शुरू से हैं। तो फिर ये अनजाति जो है ये कहां से आए, इस भेद को जो है हमें समझना है, और जब हम इसको समझेंगे तब हमारे समझ में आता है कि सही माने में अन्य जाति कहते किसे हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि करी, सबसे पहले उसने आदम को बनाया। जब आप उत्पत्ति 1:26-27 और उत्पत्ति 2:7 पद पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से सिरजा और उसको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उसको बनाया, और आदम को बनाकर उसने अदन की वाटिका में जो है वो रख दिया। इस तरीके से परमेश्वर ने आदम की सृष्टि करी। परंतु जब हम हवा की बात करते हैं, जब हम महिला की बात करते हैं कि परमेश्वर ने जो महिला बनाई उसको कैसे बनाया,
कि जब हम उत्पत्ति 2:21-23 पद तक पढ़ेंगे कि आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकाल ली और पसली निकालकर उससे स्त्री बना दिया और इसलिए उस स्त्री का नाम नारी पड़ा क्योंकि वो नर में से निकाली गई थी। अब आदम और हवा ये दोनों जो थे ये पृथ्वी पर बनाए गए। कौन थे ये? ये परमेश्वर की सृष्टि थे, परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाए गए थे और ये परमेश्वर के संतान थे क्योंकि परमेश्वर ने बनाया था इसलिए ये परमेश्वर के लोग कहलाए। अब इनसे जनरेशन जो पैदा होती है, इनसे जो लोग पैदा होते हैं उनको समझना है। देखिए जब हम उत्पत्ति 4:1-2 पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा हुआ है, कैन और हाबिल दो भाइयों का जन्म होता है। पहले कैन का होता है उसके बाद जो होता है हाबिल का जन्म होता है। और यहां क्या है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उत्पत्ति 4:12-14 पद तक जब आप पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको रेफरेंस देता चला रहा हूं। परंतु कैन ने जो था अपने भाई हाबिल को मार दिया, उसका खून कर दिया। खून करने का कारण क्या था? क्योंकि एक तो वो क्रोधी स्वभाव का था, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, दूसरा माता पिता उसके और स्वयं परमेश्वर भी हाबिल को बहुत मानता था क्योंकि हाबिल एक आज्ञाकारी बेटा था। हाबिल परमेश्वर का सम्मान करता था, परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान भी चढ़ाता था। तो कैन जो था वो इस बात से बहुत चिढ़ता था और इसलिए उसने अपने भाई का जो है वो खून कर दिया। और जब कैन ने खून कर दिया तो कैन जो था परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया, परमेश्वर की उपस्थिति से उसे निकाल दिया गया, जिसको हम कहते हैं वो खाना बदोश कहलाया है, इधर उधर उसको जाना इधर उधर भटकना जो था वो कहलाया और उससे जो है एक अलग वंश एक अलग जाति बनी जो परमेश्वर के विरोध में रही है, कैन के वंश के जो लोग रहे हैं। फिर जब हम देखते हैं, अब एक बात जरा ध्यान करिएगा, जब हम आदम की वंशावलियों को देखते हैं, जब आदम से जो भी संतानें पैदा हुई उनसे जो संतानें पैदा हुई फिर उनसे जो संतानें पैदा हुई हैं उसमें हम देखते हैं कि कुछ विशेष नाम दिए गए हैं और ये जो विशेष नाम दिए गए हैं ये परमेश्वर के लोगों के नाम दिए गए हैं। परंतु उनके और भी बेटे बेटियां हुई, वो क्या हुए, वो कहां चले गए? जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप आदम की वंशावली के बारे में पढ़ेंगे उत्पत्ति 5:1-32 पद तक और पहला इतिहास 1:1-4 तक। अब आदम से जो है शेत पैदा हुआ, आदम जो था 130 वर्ष का जब हुआ तो शेत पैदा हुआ और लिखा हुआ है कि आदम के और भी बेटे बेटियां हुए। शेत से एनोश पैदा हुआ और शेत के और भी बेटे बेटियां हुए। एनोश से कैनन पैदा हुआ और एनोश जो है उसके और भी बेटे बेटियां हुए। कैनन से मल्लेल जो है वो पैदा हुआ और कैनन के और भी बेटे बेटियां हुए। मल्लेल से येरेद पैदा हुआ। अब इनके और भी बेटे बेटियां होते गए, ये नाम बता रहा हूं मैं, नाम को ध्यान दीजिएगा। एरेस से हनोक पैदा हुआ, हनोक से मतुशिले पैदा हुआ, मतुशिले से लेमेक पैदा हुआ, लेमेक से नू पैदा हुआ और नू से शेम हाम और येपेत पैदा हुए। अब ये जो है ये नाम दिए गए परंतु उनके और भी बेटे बेटियां हुए। क्या वो परमेश्वर के लोग नहीं थे या वो परमेश्वर के जन नहीं थे या जिनका नाम दिया गया है वही परमेश्वर के लोग थे? परंतु ये परमेश्वर को समर्पित थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर को समर्पित थे, परमेश्वर के लिए काम करते थे, जैसे हाबिल जो था करता। उसे उन्हें किसी ने सिखाया नहीं, हाबिल को किसी ने सिखाया नहीं, इनको किसी ने सिखाया नहीं, ये परमेश्वर को जब से पैदा हुए होश संभाला इन्होंने तब से ये परमेश्वर के लिए समर्पित थे। दूसरे लोगों का नाम, बहुत से लोगों का नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हो सकता है कि वो परमेश्वर को समर्पित ना हो, मगर वो परमेश्वर के लोग थे क्योंकि परमेश्वर से के लोगों से ही वो पैदा हुए हैं, उनकी जनरेशन जो है वो बड़ी है, तो वो अनजाति हम उनको नहीं कहेंगे। ध्यान करिएगा इस बात को और इस पॉइंट को नोट करिएगा। परंतु जब आप उत्पत्ति 6 उत्पत्ति 9 तक पढ़ेंगे तो वहां पर क्या हुआ, नूह के समय में एक जल प्रलय आया। अब देखिए नूह के समय में वो सब क्या है, किसकी संतान है, आदम की वंशावली जो है वो चली आ रही है और नूह के जो है 3 बेटे जो है वो हुए। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी में जल प्रलय के द्वारा उसको नाश कर दिया। जब आप इन अध्यायों को पढ़ेंगे
सारी पृथ्वी को जो है जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया। परंतु नूह, उसकी पत्नी और उसके तीनों बेटे और उन तीनों बेटों की पत्नियां जो थी वो बचे, वो सेफ रहे, वो नाव में थे और परमेश्वर ने उनको बचा के रखा। जो मारे गए सब आदम से की वंशावली में से थे, क्या वो अनजाति थे? जी हां, कैसे अनजाति थे, क्योंकि वो वहीं से पैदा हो रहे हैं, उनको अनजाति हम नहीं कह सकते। परंतु सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा, इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने उनको मार दिया। क्यों मार दिया? सब मारे गए, कारण क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, क्योंकि वो काम करते थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। जी हां, जब हम परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा काम है वो करते हैं, हम बुराई में लगे रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हम जो है परमेश्वर से कैन की तरह, हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले जाते हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि से ओझल किए जाते हैं। और जब परमेश्वर की दृष्टि से ओझल किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, तब जो है हम अनजाति में ही आ जाते हैं। हमारा क्यों? क्योंकि नूह के समय में जितने भी लोग थे सब आदम की वंशावली से थे, सब मारे गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते थे, परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला काम करते थे। और यही काम जो भी कर रहे हैं, चाहे कितना भी मसीह क्यों ना हो, चाहे खानदानी मसीह क्यों ना हो, वो चाहे वो यहूदी हो, इजरायली हो या मसीह हो, ये सब जो हैं, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला काम कर रहे हैं, या परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर से दूर भटके हुए हैं, ये सब, वो तो जल प्रलय से नाश हुए थे, हम कहां जाके नाश होंगे? नरक की आग में जाकर। इसका मतलब क्या है? हम में क्या फर्क रह गया? अनजाति के लोग परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, अनजाति के लोग परमेश्वर की सामर्थ को पहचान रहे हैं, अनजाति के लोग परमेश्वर की सामर्थ को पहचान रहे हैं, परंतु मसीह लोग नहीं पहचान रहे। हम तो अनजातियों से भी गए गुजरे हुए, तो ध्यान दीजिएगा कि ये अनजाति कौन है, जिनको हम लोग ये समझ लेते हैं कि ईसाई को छोड़कर बाकी जितनी जाति हैं वो सब अनजातियों में आते हैं। जो परमेश्वर को क्रोध दिला रहा है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, जो परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जो बुराई में लगा हुआ है, वो सब अनजातियों की श्रेणी में आता है, चाहे वो खानदानी मसीह भी क्यों ना हो। आप पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 20 पद यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये जो पद मैंने पढ़ा, नूह के समय में जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा जहाज नूह के द्वारा बनवाया। क्यों बनवाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि बहुत लोग बच सके, वो सबको बचाना चाहता था। आज भी जो है दुनिया का अंत कह रहे हैं, दुनिया का अंत होने वाला, मगर देर हो रही। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले यह भविष्यवाणी करी थी जब वो इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में था कि मैं आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा, मगर 2000 साल हो गए, एक लंबा समय हो गया। क्यों इतना लंबा समय हो गया? नूह के समय के लोगों को 120 वर्ष दिए गए थे कि वो अपने आप को बचा लें, पश्चाताप कर लें, तौबा कर लें और जहाज में आ जाएं। परंतु हमें जो है परमेश्वर समय पे समय दिए जा रहा है कि हम पापों से मन फिराकर तौबा करें और बुराई से दूर रहें, और हम मन फिराएं और परमेश्वर के अधीन हो जाएं, परमेश्वर की आज्ञा को माने, भलाई के काम करें, और जिससे हम जो है बचाए जा सके। और इसलिए वो समय पे समय दे रहा है। परंतु आज जो आज्ञा नहीं मानते, उस समय भी लोगों ने आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, मारे गए। इस समय के लोग भी, चाहे कितने भी खानदानी मसीह क्यों ना हो, कितने भी बाबा दादा लकड़ दादा के समय से आप मसीही जीवन क्यों ना जी रहे हो, परंतु यदि परमेश्वर की आज्ञा के अंतर्गत नहीं है आपका जीवन, या परमेश्वर की आज्ञा को आप नहीं मान रहे हैं, या परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप सब अनजातियों में हैं और नरक की आग में जो हैं वो जाने के योग्य ठहरेंगे, जो नूह के समय में था। ये ध्यान रखें। फिर जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 9 अध्याय 18 से 28 तक को जब हम पढ़ेंगे, तो यहां पर क्या है? अब यहां जरा देखने की बात है। नूह के एक बेटा जो हाम था वो श्रापित बना। अब उससे देखिए, जातियां जो है नूह के बेटों से अलग जातियां बनी है,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शेम, हाम और यपेत। शेम से जो है परमेश्वर की जनरेशन चलती चली आ रही है, हाम से जो है शापित लोग चले आ रहे हैं, और यपेत जो है वो इनमें बटा हुआ रहा है, और खास तौर से वो हाम के फेवर में ज्यादा रहा है। उससे जो है अनजातियां बनी, यपेत से भी अनजातियां बनी और हाम से भी अनजाति बनी है। कौन लोग हैं ये? ये परमेश्वर के लोग हैं, ये नूह की संतान है, तीनों बेटे नूह की संतान है। अब ये तीनों संतान किसकी थी? परमेश्वर की थी। तीनों संतान परमेश्वर की थी, क्योंकि तीनों संतानों को परमेश्वर ने नूह के साथ बचाया था, उनकी पत्नियों को भी बचाया था, इसलिए हम उन्हें अनजाति कैसे कह सकते हैं। परंतु हाँ, जब ये नाव से बाहर आए, जब ये इस संसार में फैलने लगे, बढ़ने लगे, तब एक गलती हुई कि हाम ने क्या करा, अपने पिता को नंगा देखा। मगर शेम और एपेत ने क्या करा, अपने पिता को बिना नंगा देखे उसको चादर डाल दी, उड़ा दी, और अहाम को श्राप नहीं दिया, हाम के बेटे कनान को जो है श्राप दिया, जो कनानी लोग कनाए हैं वो श्रापित थे, और वहां से जो है वो अनजातियों का अलग जो है वो अनजाति बनी है। आप इस चीज को देख लेना, जब आप नूह के बेटों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी खासतौर से 11 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 11 अध्याय के को पढ़ेंगे, तो वहां से 10 अध्याय और 11 अध्याय खासतौर से आप पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति, उत्पत्ति 10 अध्याय, उत्पत्ति 11 अध्याय को पढ़िएगा, वहां से अनजातियों का जो है देश कैसे विकसित हुए हैं, कौन कौन सी जातियां जो है इस पृथ्वी पर आई हैं, कैसे इस पृथ्वी पर फैली हैं, ये सारा विवरण जो है मिलेगा। मगर जनरेशन कहां से है? नूह से। परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, आदम के समय में जो जनरेशन थी सब मारी गई, सिर्फ नूह बचा था, और नूह के समय में क्या था, जो जनरेशन हुई है वो सब कैसे अनजाति बनी, कैसे अनजातियों के देश बने हैं, किस तरीके से ये देश विकसित हुए हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपको मिलेंगी। तो ध्यान करिएगा, जो पवित्र मंदिर की जब बात होती है, जब आंगन की बात हो रही है, तो उसको 42 महीने तक यानी 3.5 साल तक रौंदने का अधिकार किसको दिया है? कौन है? कहीं उसमें आप तो नहीं है, या कौन से लोग हैं? हम सिर्फ ये नहीं है कि हम देख रहे हैं कि हाँ साहब, दूसरी ईसाइयों को छोड़ के जो दूसरी जाति के लोग हैं, यहूदियों को छोड़ के, इसराइलियों को छोड़ के जो दूसरे लोग हैं, वो जो हैं अन्य जाति के लोग हैं, वो रौंदेंगे। इस बात पे गौर कीजिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हम परमेश्वर से, परमेश्वर को नाराज करके, परमेश्वर के विरोध में तो नहीं है, परमेश्वर को क्रोध तो नहीं दिला रहे हैं, और इन सब कारणों से कहीं हम अनजाति तो नहीं ठहर रहे हैं। अगर अनजाति ठहर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमें परमेश्वर के उस आंगन को रौंदने का काम दिया गया है। तो ये जो इसकी सेवकाई, अभी ये चीजें खत्म नहीं हुई है, इसको आगे भी देखेंगे, आगे इस संदेश को जारी रखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।